Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? आज का जो दौर है, आज का जो वक्त चल रहा है, इस दौर में एक लड़का लड़की का साथ रहना, बात करना, हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलना, यह सब आम हो चुका है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम सब मुसलमान इस बड़ी बुरी काम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। यकीन जानिए, जिस काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस काम से हमारा रब, हमारा अल्लाह हम लोगों से कभी राजी नहीं होगा। हम सब मुसलमान अपनी बर्बादी की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान भाई बहन कहते हैं, हम तो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, अगर वह मेरी नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। अल्लाह अकबर, ऐसी बातें कहने से बचा करें आप। अरे भाई, मोहब्बत करनी है तो उस अल्लाह रब्बे कदीर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से करो जिसने हमें बनाया। मोहब्बत करनी है तो मुस्तफ़ा जान रहमत समय बज़्मे हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से करो जिनके हम उम्मती हैं। मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से करो जिसने तुम्हें बड़े प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। क्या इसलिए कि तुम एक लड़की की नाजायज़ मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो? होश में आ जाओ मेरे भाई, अभी भी वक्त है, सारे गुनाहों से तौबा कर लीजिए, वरना मरने के बाद सिर्फ अफसोस ही अफसोस रह जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना तो जायज़ है, तो हम भी मोहब्बत कर रहे हैं तो इसमें गुनाह कैसा? तो मेरे भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो गैर मरहम को देखना हराम, तो उससे मोहब्बत का बहाना करके बात करना, साथ में हाथ में हाथ मिलाकर चलना और गंदी गंदी बातें करना, ये सब कहाँ से जायज हो सकता है मेरे भाई? अगर आप उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप उससे तुरंत निकाह करें, अगर निकाह के काबिल ना है तो फिर इंतज़ार करें, जब वक्त आएगा निकाह करिएगा। निकाह के बाद अगर आप उस लड़की से मोहब्बत करेंगे तो वह सच्ची मोहब्बत होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है।